Good morning, friends. And from today I am going to take the geometry of complex number. So now I can consider the most important concept or topic in the 11th class. And those students preparing for the IIT JEE, and if they have not completed the geometry of complex number properly, now they cannot get the proper marks into the IIT JEE even. सबसे ज्यादा जिस टॉप जिस कॉन्सेप्ट को टॉप पे रखा जा सकता है 11th क्लास से, तो वो है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद में कुछ क्वाड्रेटिक में भी लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशंस हैं वो यूज़ की जाती है, और जो जिस टॉपिक को और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो टेक्निकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रखता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एट द टॉप, राइट। And it is even the coordinate geometry, the all conic section and other things are means at the below. Conceptually, जो सबसे ज़्यादा highest मैं इसको rating देता हूँ वो यही है कि geometry of complex number है, right? So मैं इसको one by one, part by part लूँगा, और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो भी students इसको follow कर रहे हैं, they should go through all the parts to get the things properly, right? You don't judge by the one by watching the one part on the YouTube. So what is there, you have to watch part by part to take the full advantage of the geometry of complex number, right? So I'm starting from today. So see, the geometry of complex number, number one point is the every complex number z. Now this z can be expressed by the position vector of the point z x comma y. तो बिल्कुल एग्जैक्टली पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में ही उसको लिखा जाता है ना। एंड इट इज कॉल्ड द एफिक्स ऑफ द पॉइंट z एंड ऑफ द पॉइंट x प्लस आइटा y. x प्लस आइटा y का एक सिंगल एफिक्स बोलते हैं। अब देखिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बोलते हैं x comma y, लेकिन वहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, लेकिन यही चीज़ जब आर्गन प्लेन में आती है तो यहाँ पे इसका नाम बोलते हैं एफिक्स। होती चीज वही है, लेकिन उसको जब आप अलग नोटेशन से देंगे, बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग इन टू द आर्गन प्लेन, तो उस तरह से इसको चीज को दिया जाता है। देखिए, नेमिंग में बस चेंज है, बाकी काम तो वही है। कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स कॉमा वाई, और दिस इज द एफिक्स हियर, दिस इज कॉल्ड द एफिक्स, राइट। ये इसका एफिक्स हो गया, एंड दिस इज द रियल एक्सिस, दिस यू नो प्रॉपरली, एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, imaginary axis you know, and the origin is same, right? And this is given by the O and the origin, और ये जो point है इसकी position को हम देखेंगे, and suppose it is called the O, P point होगा, that particular point will be the P point, और उसका जो corresponding complex number है z होगा, उसके affix होते हैं x comma y, right? This is called affix of the point x x प्लस आइटा वाई। यहाँ में x में आइटा उड़ा देते तो जो सिंपली x कॉमा y लिखते हैं, तो फर्क क्या हुआ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसमें भी हम सेम 100% सेम वैसे लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो उसका नेमिंग है वो fx है। यही चीज अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती तो हम उसको बोलते थे कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं fx। सो बिकॉज दिस इज डिस्कस्ड इन टू द आर्गन डायग्राम में डिस्कस हो रहा है, और इसको आपको पता ही, अच्छी तरह से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। दिस इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम, और इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन, और कॉल्ड द गॉसियन प्लेन। गॉसियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स आर्गन डायग्राम, आर्गन एक्सिस, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन, there are so many names to this, right? तो इस तरह से इसको express करते हैं। और अब हम देखिए start लेते हैं, one by one सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा, साथ में parallel questions लेता जाऊँगा। आप ये करेंगे कि जितने भी parts हैं उसको continuity में one by one सारे देखेंगे, तभी पूरा concept जो है आपको clear हो पाएगा। देखिए, number one point आता है distance formula, जो हम अच्छी तरह जानते ही हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, सपोज टू पॉइंट्स हैं, और इसकी एक लोकल लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज क्या है?
हमने यहाँ बोल दिया ये एफिक्स होता है, लेकिन एफिक्स पॉइंट जो है जब हम नॉर्मल नॉर्मली जब इस चीज को बोलते हैं तो हम खाली ऐसे ही बोल देते हैं कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए का कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है, सपोज पॉइंट बी है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू है, इट इज बेसिकली द एफिक्स, राइट। बट वो एफिक्स वर्ड नॉर्मली जो है नॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं, खाली बोल देते हैं पॉइंट ए एंड द करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड वन, पॉइंट बी इज देयर इट्स करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड टू। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको बताया जो ए बी डिस्टेंस है वो आएगी जेड वन माइनस जेड टू और उसका मॉडुलस ले लेंगे। अब मान लीजिए जेड वन यदि एक्स वन प्लस आइटा वाई वन है और जेड टू आपका एक्स टू प्लस आइटा वाई टू है, तो जेड वन माइनस जेड टू जैसे ही करेंगे जेड वन माइनस जेड टू एक्स वन प्लस आइटा वाई वन माइनस एक्स टू माइनस आइटा वाई टू, सो डिफरेंस इन रियल पार्ट एक्स वन माइनस एक्स टू कर देंगे प्लस आइटा वाई वन माइनस वाई टू करेंगे और इसका मॉड लेने का, राइट। दिस इज द मॉडुलस फॉर दिस, सो जेड वन माइनस जेड टू मॉड लेंगे, सो दैट इज रिगार्डेड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और मॉड लेने में तो हम वही काम करेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही किया था, द रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, सो दिस इज सेम। बहुत पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताई थी बात कि ऑल प्लेटफॉर्म्स आर सेम, हियर इट इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम। और वेक्टर पे अगर डिस्कस करेंगे तो वेक्टर्स में बोलेंगे कि दिस इज द वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस इज ए कैप आई कैप और उसमें जे कैप है, तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी और यह सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगी, बट ऑल थ्री आर सेम 100% सेम, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द थिंग इज डिफरेंट बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम, उसको हम उसी तरह से लिखते आते हैं। तो देखिए यही डिस्टेंस फॉर्मूला हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं और वो चीज यहाँ पे भी वही आ रही है, ठीक है। अगर सिंपली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है और जेड है इसका मॉड जेड अगर लिखेंगे तो इट्सकी डिस्टेंस हो जाएगी ओपी, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। सो दिस इज सिंपली एन अ डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी इजी टू यूज, राइट। इसके बाद में हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला अगर किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी है तो फिर उसको सारी चीजें पता ही है, कुछ चेंज नहीं करना, सब मालूम है, ठीक है ना। वो खाली लिखने का फॉर्म चेंज हो रहा है बस। लेट से दिस इज द पॉइंट ए एंड बी द करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड वन जेड टू, लेट से दिस द सी पॉइंट एंड हुज कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड एंड जेड इज डिवाइडिंग जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी इनटू द एम इज टू एन रेशियो, राइट। सो इफ इट इज सो द एफिक्स ऑफ जेड जेड विल बी इक्वल टू एम जेड टू, दिस इज एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम वन एम प्लस एन, ये हो जाएगा इंटरनल डिवीजन, राइट। और एक्सटर्नल डिवीजन लेना है तो माइनस लगा देंगे, दिस इज द टोटल फॉर्मूला, राइट। सो प्लस अगर लेके लिखेंगे तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला होगा, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला होगा एंड इफ इट इज नेगेटिव यू आर टेकिंग द नेगेटिव देन इट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, राइट, देन इट विल बी अ एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। नाउ सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट वर्ड नहीं बोलना है, बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एट द मिड ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसमें डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज जेड वन जेड टू एंड सपोज दिस इज एट द मिड पॉइंट, सो जेड इक्वल्स टू सिमिलरली यू हैव टू राइट द जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाय, वेरी सिंपल, द इन द सेम वे यू आर डूइंग द ऑल द थिंग्स, राइट। सेक्शन फॉर्मूला ये हो जाता है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहीं से हमारी थोड़ी इंटरेस्टिंग वो जो है रिजल्ट्स स्टार्ट होते हैं,
जिसे हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोलेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हैविंग हैविंग वर्टिसेस वर्टिसेस Z1, Z2, Z3. दीज आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला. सो इफ दिस इज द ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 हैं तीनों पॉइंट्स के एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो देखिए एरिया इससे दिया जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन बाय आइटा बाय 4 और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1, Z3 Z3 बार 1. दिस इज द फॉर्मूला अप्लाइज राइट. अब देखिए आपको इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला मालूम था और मैं इसको डेराइव करूंगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूला था, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स थे X1 Y1, इसके अगर सपोज करो X2 Y2 होते और इस पॉइंट पे X3 Y3 होते, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया लिख रहे होते 1/2 X1 Y1 1, X2 Y2 1, X3 Y3 1 से. तो सपोज ये डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दी है एंड आई एम वी आर सेइंग दैट दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन ज्योमेट्री फॉर्म मीन्स इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म द एरिया इज देयर राइट. सपोज इसको हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं और प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये इस तरह से ट्राइंगल का एरिया शो होता है, तो उसका डेरिवेशन ले लेते हैं. इसको हम ओपन कर देते हैं, वैल्यूज रख देते हैं, लाइक Z1 हो जाएगा X1 प्लस आइटा Y1 एंड दिस इज X1 माइनस आइटा Y1 1, दिस इज X2 प्लस आइटा Y2, X2 माइनस आइटा Y2. देखिए यहाँ Z2 कॉन्जुगेट आएगा, Z2 X2 प्लस आइटा Y2 है तो उसका कॉन्जुगेट आएगा 1 आएगा. थर्ड आप लिख रहे X3 प्लस आइटा Y3 एंड X3 माइनस आइटा Y3 1 राइट. ये हमने लिखा. अब इसमें आपको डिटरमिनेंट का कुछ आइडिया हो तो व्हेन यू ऐड द टू कॉलम्स एंड टू रोज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंजेस राइट. तो उस तरह से हम ऐसा करते हैं, इसमें फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को ऐड कर देते हैं. ऐड करने में ये आइटा Y1 आइटा Y2 वगैरह कैंसिल हो जाएगा राइट. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आइटा बाय 4 एंड दिस विल बी 2x1 2x2 2x3 हो जाएगा और ये सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा X1 माइनस आइटा Y1, X2 माइनस आइटा Y2, X3 माइनस आइटा Y3 एंड दिस इज 1 1 1 राइट. अब देखिए आप देखते चलिए क्या होना है कि हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. आइटा बाय 4 हो गया एंड वी कैन टेक आउट द टू कॉमन राइट. टेक आउट द टू कॉमन, तो टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया फर्स्ट कॉलम से, X1 X2 X3 हो गया राइट एंड दिस इज X3 माइनस आइटा Y3, X2 माइनस आइटा Y2, X3 माइनस आइटा Y3, दिस इज 1 1 1 राइट. अब हम एक काम कर सकते हैं कि इसको दो डिटरमिनेंट में सेपरेट कर सकते हैं. दो डिटरमिनेंट में सेपरेट करेंगे तो आपको ये आइटा बाई 2 मिलेगा ही सही. एक कॉलम आपका आ जाएगा ये X1 X2 X3 राइट और एक इसके साथ में ये नंबर्स आ जाएंगे सारे. यहाँ X1 है, सॉरी दिस इज X1, दिस इज Y1 राइट. X1 Y1 ही है. सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम का सेकेंड कॉलम का फर्स्ट वाला पार्ट आ रहा है X1, X2, X3 एंड राइट डाउन दिस वन. ये आप लिखोगे 1 1 1 राइट और हम सेपरेट करेंगे. सेपरेट करेंगे तो देखिए आइटा बाई 2 आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला कॉलम आएगा और ये आएगा. तो दो इसमें डिटरमिनेंट में ये सेपरेट हो जाता है. आइटा बाई 2 X1, X2, X3 एंड माइनस आइटा Y1 माइनस आइटा Y2 माइनस आइटा Y3 1 1 1 अगेन राइट. दिस इज सेपरेटेड लाइक दिस. अब देखिए नेक्स्ट दिस इज आइटा बाई 2 राइट एंड दिस इट्स वैल्यू 0. प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ इन एनी डिटरमिनेंट टू
कॉलम्स और टू रोज आर आइडेंटिकल, इट्स वैल्यू जीरो, तो ये तो हो गया जीरो। इसको हम यहाँ से खत्म कर दें, ये वैल्यू देगा इक्वल टू जीरो, खत्म। एंड बाकी ये बचेगा, अब देखिए आइटा बाई टू ये बचेगा, तो इसमें से माइनस आइटा कॉमन निकल रहा है, सो टेक आउट द माइनस आइटा आउटसाइड एंड फिर देखिए क्या बचता है। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फिर वाई वन वाई टू वाई थ्री, वन वन वन, राइट। माइनस आइटा स्क्वायर, माइनस आइटा स्क्वायर हो जाएगा वन बाई टू, आइटा स्क्वायर माइनस वन, और फिर माइनस से मल्टीप्लीकेशन है, सो इट इज वन, राइट। एंड दिस इज एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन, एंड दिस फॉर्मूला यू नोस, ये आपको मालूम है कि ये ट्रायंगल का एरिया होता था, डिटरमिनेंट फॉर्म में होता था, और इवन टेंथ क्लास में आपने ये भी किया हुआ है कि अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री था, प्लस एक्स टू था, वाई थ्री माइनस वाई वन था, प्लस एक्स थ्री वन टू टू थ्री, थ्री में वाई वन माइनस वाई टू आ जाएगा। सी द सेम डिटरमिनेंट फॉर्म इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज कन्वर्टेड इन टू दिस फॉर्म, ये आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था, टेंथ क्लास में एरिया ऑफ द ट्राइंगल पढ़ा था, लेकिन इलेवेंथ में ये डिटरमिनेंट फॉर्म में ट्राइंगल का एरिया होता है, एंड दिस इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एंड दिस इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एंड नाउ आई हैव प्रूव्ड दिस इक्वल्स टू दिस कोऑर्डिनेट फॉर्म, और इसमें जो प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की लगा के हमने जब इसको प्रूव कर दिया, नाउ इट इज कंफर्म दैट इट इज गिविंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर जेड वन जेड टू जेड थ्री, राइट। इसके बाद में आगे नेक्स्ट लेते हैं।